बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड। आज हम बनाएंगे नाखून की मेहंदी, वो भी गेहूं से। तो चलिए देखते हैं बनाना कैसे है। जो कलर बहुत अच्छा आया था, चलिए देख लेते बनाना कैसे है। तो हम लेंगे गेहूं और गुड़, दोनों लेंगे। मैं तकरीबन समझ लीजिए आधा कप मेरा गेहूं होगा तो एक कप गुड़ होगा। तो दोनों को मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद आप चाहे कोई पतीली ख़राब ले लीजिए या कोई डब्बा टाइप का जिसमें कंटेनर दूध दूध का होता है, दूध का, या कोई कैसा भी डब्बा हो जिसमें आप रख के, क्योंकि पहले साइड साइड में पूरा अपना गेहूं और गुड़ रख लेंगे। रखने के बाद बीच में एक मैं अलग से चीज़ रखूँगी, डब्बा टाइप या पत्थर है कुछ भी रख लीजिए। फिर उसके ऊपर अपनी प्याली रखिए, क्योंकि जब ये जलता है ना तो हमारा बहुत सारा जो लिक्विड बनता है नेल का वो जल जाता है, तो ऐसे थोड़ा सेफ हो जाता है। तो मैं दो बर्तन में बना रही थी, तो दोनों देख लीजिए, दोनों ऐसे मैं रख के बना रही हूँ। आप बहुत तेज़ मीडियम मत आँच करिएगा, मीडियम आँच रखिएगा। इससे क्या है कि अचानक मतलब जल्दी जल जाएगा। वैसे 20 मिनट तो लगता है, 15 से 20 मिनट लगता है इसको पकने में। एक ऊपर पतीली में पानी रख दीजिए या कोई डब्बे में, जैसे हो, मतलब एक ऊपर ऐसा हो पानी हो, ऐसे जैसे मैंने रखा है वैसे पानी ऊपर हो और नीचे अंदर अपना सारा सामान हो। तो ऐसे पकने दीजिए 15 से 20 मिनट। फिर देखिए माशाल्लाह वाला अर्क बहुत अच्छा मिला है, एकदम डार्क कलर का। तो चलिए दूसरे वाले में भी देखते हैं उसमें कितना अर्क मिला है। इसमें तो मेरा अर्क पूरा जल गया, देखिए पूरा ख़राब हो गया, अर्क ही नहीं मिला। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे बनाते हैं मिलता ही नहीं है। तो ठंडा करने के बाद फिर हम इसको कैसे बनाना है, आप चाहे आटा ले लीजिए, बेसन ले लीजिए, चाहे मैदा ले लीजिए, चाहे कॉर्नफ्लोर जो भी आपके पास वो ले लीजिए, और मेहंदी में भी बना सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो कलर कम आता है, फिर दो से तीन बार लगाइए तो कलर बहुत अच्छा आता है। और मैं तो हमेशा नाखून में लगाती हूँ और पूरे उंगली में भी लगा लेती हूँ, इतना अच्छा कलर आता है ना दोनों चीज़ में। तो आप मेहंदी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक।